न्यू टैक्स रिजीम में अगर एम्प्लॉयर एनपीएस के तहत एम्प्लॉयर ही पैसा जमा करता है तो क्या इस पर टैक्स छूट का फायदा ये ले सकती हैं, जानना चाहती हैं, क्या सुझाव है इनके लिए? ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम, ये दोनों में कुछ कुछ बातों में बिल्कुल चेंजेस नहीं हुए हैं। इनमें से एक ये भी है कि जो सेक्शन 80CCD2 में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको हम सैलरी की इनकम में से एग्जम्प्ट रखते हैं सेक्शन 17 में, ये प्रोविजन इन्होंने नए रेजिम में भी चालू रखा है। इसलिए एम्प्लॉयी का एनपीएस का डिडक्शन नहीं मिलेगा लेकिन एम्प्लॉयर के डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन को एग्जम्प्ट माना जाएगा। इसके बावजूद कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सीटीसी का हिस्सा हो, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 80C में नहीं गिना जाता है, वो 80CCD2 में है। 80C और उसमें एम्प्लॉयी का कंट्रीब्यूशन जो है तो 80C पे उन्होंने निषेध लगाया है। 80CCD2 रेड विथ सेक्शन 17 में कोई बदलाव नहीं आया है, ये 115 BC की प्रोविजन हमें ख्याल में रखें। प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो।